अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और मरहला, असद कैसर स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब, और ये भी दोनों जो अहम अहदे हैं, एक कंफर्टेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मरहला पार करने में भी कामयाब हो गई। अब इसके बाद का मरहला ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बमुकाबला कोई अपोजिशन उम्मीदवार। मैं कोई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तक तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन यही लगती है कि वो शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं डालेंगे। तो एक तो सवाल ये है कि क्या होगा, क्या अपोजिशन इतिहाद, एक और दूसरा शहबाज शरीफ साहब एज अ कैंडिडेट फॉर दी जॉइंट अपोजिशन इसका क्या बनेगा। दूसरा, आज एहतजाज भी हुए कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के बाद, बहुत सी नारेबाजी भी की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी क्यों, ये हमारा आज का दूसरा सवाल ये भी होगा। इस पर बात करेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब नून से हमारे साथ। वो आदत पाएगी ना हुकूमत दा पहले करन दी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाएगी सर, हौसला करना, शुरू इधर से करना चाहिए था लेकिन चले इधर से शुरू करें। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ से बहुत शुक्रिया आपका, इफ्तिखार साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं आपका भी शुक्रिया इफ्तिखार साहब। चौधरी साहब ये बिलावल साहब का मैं आपको सुनाऊं, आज चलते चलते उनसे किसी ने सवाल पूछा शहबाज साहब को वोट डालने के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनो। कैंडिडेट चेंज करवाएंगे, शहबाज साहब को वोट डालेंगे चौधरी साहब? अच्छा देखिए, इस पे बड़ी एक बुनियादी बात है। पहले आज एक मरला मुकम्मल हुआ और हमने उसके लिए दो जगहों पे बहुत एफर्ट की, एक तो सारी जमातों को अंदर लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रोल प्ले किया, और दूसरा हमने इस मरले को भी कंप्लीट करने के लिए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी को इस ओहदे के लिए खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम कितना संजीदा ले रहे हैं इस पूरे अमल को, वरना हमें रिजल्ट नजर आ रहा था। शाह साहब को देख के लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही संजीदा ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस बंदा तोड़ सकता था किसी को तो वो हमने उस तरफ कोई एफर्ट नहीं की। ठीक है, हम अगर उस तरफ जाते तो शायद कर सकते थे ऐसी सूरत हाल, लेकिन नहीं की, बिल्कुल कॉशियसली नहीं की, ताकि हम ये चाह रहे हैं इस वक्त। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं आई मीन इट, हम चाह रहे हैं कि ये सिस्टम आगे चले, नंबर वन। नंबर टू, और करेक्शन करते हुए आगे करते चले, मसाइल खत्म करते हुए आगे चले। दूसरी बात, हमने तीन दिन पहले मुस्लिम लीग को ये अपने तहफजात से आगाह कर दिया था, ताकि ये ना कहें कल को कि हमारे वोट लेकर इन्होंने बाद में हमें बताया। हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया था, और तीन दिन पहले ये भी कहा था कि अब आपकी मर्जी है, हमें अगर वोट देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो हमारा कोई एतराज नहीं। हम अगर आप अपना कैंडिडेट लाना चाहें, हमने इसलिए बताया कि कैंडिडेट के पेपर्स अभी होने थे, ताकि ये अपना अगर कैंडिडेट फील्ड करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। हम इनको वोट, चूंकि इन्होंने मेहरबानी की हम पे, हम इनको वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल जैसे हम एक ऐसा बंदा लेकर आए जो सारी जमातों को एक्सेप्टेबल था, इसी तरह से हम इनसे भी ये तवक्को कर रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर आएंगे जो सारी जमातों के लिए एक्सेप्टेबल हो। आप ये कह रहे हैं तीन दिन पहले आपने मुस्लिम लीग नून को ये बता दिया? जी बिल्कुल, कि हम शहबाज साहब को वोट नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल बता, और अब और पब्लिक भी किया, शहरी रहमान ने आकर तरीके से उसको, क्योंकि हम एक इलेक्शन मोड में थे, उसको पब्लिक भी किया। और उसकी बुनियादी वजह देखें, हम जब जरदारी साहब धरने के दौरान भी वहां पर रायवंड गए थे, तो वहां पर भी एक फर्द ऐसा था जिससे नहीं मिले थे उस उनके घर में जाकर, और वो मियां शहबाज शरीफ थे। तो बिल्कुल उस वक्त बचाया था, सारी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मियां शहबाज शरीफ से उस वक्त भी नहीं मिले थे। ये जब 2014 के दौरान, सो ये कोई नई बात नहीं है, शहबाज साहब पर आपके तहफुजात साल पुराने। हम ये कहते हैं कि अगर वो ये कर लेते तो शायद पीपल्स पार्टी का दिल बड़ा है, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब और सबको जब मुश्किल में थे, मांग ले इसी और की कर दा। नहीं, किधर माफी मांगी? ओ, मैं आपको सुना देता हूं। नहीं देखिए, ये तरीका नहीं है माफी का। अगर उनको वोट चाहिए थे तो इतने दिन थे ना, वो चले जाते, खुर्शीद शाह सब गए ना वोट लेने, रायवंड गए। ठीक, तो सुन, ये एक तरीका होता है इसको, मेरा ख्याल है। मैं तो आज रात को ये समझ रहा हूँ कि सेंस प्रिवेल करेगी, और कोई भी मतलब एक प्रोसेस को चलाना है। अगर शहबाज साहब नहीं आए तो पीपल्स पार्टी शहबाज साहब को वोट नहीं डालेगी? पीपल्स पार्टी ने ये फैसला,
बड़ा फैसला, पीपल्स पार्टी आपको वोट नहीं डाल रही, नहीं आयन को नून लीग को, नून को नहीं, शहबाज शरीफ साहब को उम्मीदवार के तौर पर वोट नहीं डालेंगे। देखिए काशिफ साहब, सियासत में हरफे आखिर नहीं होता, और ये जरदारी साहब की सियासत का जो आगाज है पहला जुमला भी यही होता है और आखिरी भी यही है, और आखिरी भी यही होता है। तो सियासत में मेरे ख्याल चौधरी साहब जो इतनी सख्त लाइन खींच रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे ये इत्तेहाद में है, हम इकट्ठे बैठे हैं, हमने इनको आज वोट भी किया है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और खुर्शीद शाह साहब को इनके जो कैंडिडेट थे, और वहाँ पे असेंबली में लॉबी में भी बैठे रहे, गुफ्तगू होते रही, एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे में घुल मिल गए हैं सारे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इसमें कोई इस तरह कहना ठीक है, शहबाज शरीफ साहब अभी तक हमारे कैंडिडेट हैं, उनका नॉमिनेशन भी फाइल हुए हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें ऑपोजिशन की जो हमारे आपस में तफजात थे या माजी में जो बातें हुई हैं, वो बातें अगर तल्ख लगी हैं तो उसमें यह है कि उसमें वापस माजरत, और जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह का, क्योंकि हमने इकट्ठे मिल के चलना है, और आगे ये सफ़र सिर्फ ये इस इलेक्शन तक नहीं रहना, ये सफ़र बहुत लंबा है, और इसमें मैं तो यही तवक्को कर रहा हूँ कि अभी मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी होगी और एक कल भी मीटिंग है, तो मुझे उम्मीद है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सियासत जो है ना इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, अगर इसमें पॉसिबिलिटी का लफ्ज़ हम सियासत में से निकाल दें और ये कहें कि बिल्कुल ही खाना बंद है, रास्ता बंद है, और शहबाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा खुद हमें भी, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब हमेशा परफॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर, उनका पोलिटिकल जो है सारा डोमेन वो यही रहा है कि प्रोजेक्ट्स काम ये वो, लेकिन उन्होंने खुद इस दफा नहीं आती उनको, इस दफा उन्होंने खुद अपने आप को पिछले दो दिनों से मान रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं कहा, साढ़े चेयरमैन को पॉलिटिक्स नहीं आती, मैं चेयरमैन मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब हमेशा ड्राइविंग सीट पे पार्टी के रहे हैं, और वो बासियत पंजाब के सदर काम करते को आदत भी नहीं, लेकिन उन्होंने अब आप ये देखेंगे ना, आपने आपने परसों से काशिफ परसों से आपने देखा, आपने एक चेंज देखी होगी कि शहबाज शरीफ साहब नैप कोर्ट भी गए, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के उधर बैठे भी हैं, प्रोटेस्ट में खड़े भी हुए जाके, सर लेकिन एक आज सवाल पूछा सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, आप जो जिस तो बात कर रहे हैं वो चेंज आपको नजर आ रही है, एज अ वेरी पॉजिटिव पार्लियामेंटेरियन, उन जो सवाल जो पूछा गया कि सर ये बताइए आपके बयानिए में और मियां साहब के बयानिए में बड़ा फर्क है, उन्होंने कहा मेरा बयानिए आपने सुन लिया है, तो आप जो कह रहे हैं ना वो आज चले गए, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो गए होंगे, सुनिएगा इसको, जाने दे सकते थे कि यार सवाल जवाब खत्म हो गए, उन्होंने कहा जी आपने नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ ज्यादा, उन्होंने कहा जी मेरा बयानिए आपने सुनिए, सो ही स्टैंडिंग वेयर ही स्टैंड्स, देखें उनका बयानिया ये था जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू बात की है, वो रेफर कर रहे थे उस बात को जो उन्होंने वहां पे मीडिया के सामने की है, और वो उसी बात को कह रहे थे कि जो आपने मैंने बात की आपने सुन ली है, लेकिन इसको इंटरप्रेट इस तरह कर लिया कि ये पुराना बयानिया, अब वो बयानिया तो और क्या कह रहे हैं, देखिये हमारी पार्टी का सारी अक्सरियत जमात का बयानिया मियां नवाज शरीफ का बयानिया, और हम लोग सारे पार्लियामेंटेरियंस जितने भी लोग हैं हम मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी हम सबको लीड कर रहे हैं, हमें लेके चल रहे हैं, और वो भी नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो तो सुना देना उन्होंने क्या मेरा बयानिया तो आपने सुन लिया, उनका बयानिया देखें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीजें जो आज से 10-15 दिन पहले थी और 15 दिन बाद बयानिया आप बना रहे, मैं तो 15-20 दिन बाद आप देख लेंगे ये चीजें और चेंज होंगी। इफ्तिखार साहब से पूछ लो, इफ्तिखार साहब देखें बयानिए तो अपनी अपनी जगह, वो तो जाहिर उन्होंने कहा कि बयानिया आएगा तो मैंने कहा सुना दूं, आज ही का वाकया था ये, लेकिन एहतजाज भी अलहदा है, पीपल्स पार्टी नून को वोट भी नहीं डाल रही, तो आपको लगता है कि नून को नहीं शहबाज शरीफ साहब को, ये कहां तक चलेगा मामला, आज आप एहतजाज देख लें, एहतजाज नून लीग कर रही थी, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी। जी जी काशिफ, पहले तो मैं चौधरी मंजूर साहब से पूछूंगा कि इनका उम्मीदवार कौन है, इनका खुर्शीद शाह साहब उम्मीदवार थे, उनको मुस्लिम लीग नून ने वोट डाल दिया, नहीं नहीं उसकी बात नहीं, नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ भाई, हमारा भी कोई उम्मीदवार नहीं, जब आपका अभी तक उम्मीदवार ही नहीं है तो आप खुद देख लें कि आपके बारे में जो राय कायम की जाएगी वो क्या होगी, जो भी हो, अभी आपने कहा ना कि आपने बड़ी संजीदगी के साथ तमाम एफर्ट्स किए हैं, तो इलेक्शन तो बस दो रोज के बाद है, और इतनी बड़ी पार्टी जितनी 1970 में बनाई गई अभी तक फैसला नहीं कर पाई कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, ताकि अगर मैं वोटर हूं तो मैं फैसला कर सकूं कि आपका उम्मीदवार बेहतर है या मियां शहबाज शरीफ बेहतर है।
अच्छा देखें इसमें इसमें एक कुछ तो मुझे लीड करो ना इफ्तिखार साहब, एक गुजारिश में करो। देखें हमने अपने तहफजात से, मैंने ये कहा कि उस वक्त बता दिया जब अभी टाइम था स्पीकर के पेपर्स जमा होने का। मेरी अब एक मिनट गुजारिश पाकिस्तानी के तौर पर आपका है कौन कैंडिडेट, इतना छुपा के रखा हुआ नहीं सर, मैं अब्सटेन भी कर सकता ये तो नहीं करना। अगर मेरी मर्जी का कैंडिडेट नहीं है तो मैं, मुझे ये राइट है कि मैं किसी को वोट करूं ना करूं, मैं अब्सटेन करूं। बात होगी, तीन पोजीशनें होंगी, मतलब है कि बात अगर ये चेंज कर ले समझ आ गई कि आप अब्सटेन कर रहे हैं, ठीक आप अब्सटेन कर रहे हैं ना। अच्छा मैं एक दो सवाल करना चाहूंगा मंजूर साहब आपसे भी और ये जो पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं कि ये पार्लियामेंट इसलिए कि यहाँ पे नारे लगाए जाए चोर चोर कहा जाए, यह पार्लियामेंट इसलिए कि ये जो आईने पाकिस्तान बनाया है और जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए कुछ कोशिश करनी है कि सिर्फ एक दूसरे को चोर चोरी कहना है। देखें इस आईन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग हैं और आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, ये आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ। खुदा रसूल का वास्ता है कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें और इस आइन में मेरे लिए जो हकूक हैं सारे हकूक सदर पाकिस्तान के नहीं हैं कि उनको इम्यूनिटी 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 और ये बहस सारा साल जारी रहे। ये आइन जो है इसलिए नहीं बनाया गया कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को किस किस चीज़ की इम्यूनिटी है, ये आइन बनाया गया था मुझ गरीब के लिए, मुझ किसान के लिए, मुझ तालिब इल्म के लिए और इसमें मेरे हकूक का तय किया गया। पर आप इख्तियार पर कैद है लेकिन आम आदमी के हक की बात ज्यादा है, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि आम आदमी की बात सुनने की राइट की बात। अब मेरी मुझे बात पूरी करने दे जनाब, बुरी बात करने दे, अगर मेरी बात ज्यादा है तो मैं पूछ सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो इसमें दी गई थी उसकी कितनी रिपोर्टें आपके दौर में और कितनी रिपोर्टें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जेर बहस आई कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में, ये मुझे सवाल का जवाब चाहिए आज। क्विक जवाब मुस्लिम लीग नून के लिए आप दे दें, पीपल्स पार्टी के लिए चौधरी साहब दे दें। देखिए हमारा तो ये बात है कि जिस तरह ये काम शुरू करेंगे और हम इनको आज से कह रहे हैं काम का पूछ रहे हैं वो इनके काम का नहीं पूछ, हमारा तो काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये चीजें जो भी चीजें लॉ में पेंडिंग पड़े हैं, जो कवानीन पेंडिंग पड़े हैं, इंसाफ का पेंडिंग पड़ा है, आम आदमी के हकूक के लिए कितना काम किया है, आम आदमी के हकूक से मुतल्लिका जो देखें काम होना है काम तो अब इन्होंने करना, गवर्नमेंट इनकी है, आपने हमने तो इनको डायरेक्शन देनी है। कुछ और कह रहा हूँ, पांच साल आपकी बात पूछ रहे हैं, आप मेरी बात सुन लें, मेरी फजूल बात सुन लें, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है चैप्टर 2, ये आर्टिकल 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक के जो आर्टिकल हैं इसके बारे में लिखा हुआ है बात करें कि जनाब सदर पाकिस्तान वो और सूबे में गवर्नर इन आर्टिकल्स के बारे में अपने इंतजामिया से मशावरत करके एक रिपोर्ट हर साल वफाक में नेशनल असेंबली के आगे और सूबों में सूबाई असेंबली के आगे पेश करेगा जिस पे बहस होगी। मैं आप दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूं आईन के इतने आर्टिकल्स के बारे में किसने किस पे अमल करवाया। ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सूबों में ये रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन आती रहती हैं लेकिन स्पेसिफिक आर्टिकल को रेफर करके डिफरेंट इश्यूज पे लॉ ऑर्डर पे लॉ एंड ऑर्डर पे आती रहती है ना, फसाओ नहीं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे आती रहती है, आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे आती रहती है यार, प्लीज आपके स्पेसिफिक आप बात करने दो, तुम ना गरीब हो ना आम आदमियों की गल कर रहे हो, खुदा का वास्ता जी ना आम आदमियों ना गरीब आदमियों, मुझे आम आदमी को खुदा के लिए बात करने दो, मुझे ये बताएं जो आईन की किताब आपने हाथ में पकड़ी हुई है, मुझे ये तो बताएं इस आईन की किताब, बात सुनिए जो सर, इस आईन की किताब का जो एहतराम है वो इस आईन की किताब में से आपने दो दो चैप्टर पकड़ लिए, हम यही तो रोना रो रहे हैं किस आइन और कानून के ऊपर, कोई इस आइन और कानून को, उनका रोना यह है कि आप अपने ऐसे का काम नहीं करते, दूसरे से तवक्को करते हैं वो अपने ऐसे का काम करें, जो दूसरे वो अपने से काम नहीं करते वो हमसे तो फिर कभी फंसे रहे काम करें, काली पट्टियां बांध दी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है अगर वो इस मुल्क में लागू करे तो हर कोई अपना अपना काम करेगा, हर आदमी ने अपनी मर्जी का मसला पकड़ा हुआ इस मुल्क में, एक्चुअली दैट्स हाउ इट इज,
सर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ही कहता हूं कि आईन के अंदर ये जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स के बारे में आप जवाब दें। ये मैं जवाब लेता हूं सर, इन दोनों से लेता हूं, मैं जरा पीपल पीटीए वालों को भी ले। प्रॉब्लम ये है वो कहेंगे तो अब शुरू हुए ना खेल में, ये घर में जाके पहले मेरा यार मुराद पढ़े कि आर्टिकल है क्या, फिर ये तैयारी करके हुक्मरान रहे हैं ना, ये मुझे बताएं। अभी पढ़ लो, वो तो खैर खुद लॉयर है बाई प्रोफेशन, इसको ज्यादा बेहतर पता होगा। अली मोहम्मद खान साहब, मसला इफ्तिखार साहब, आईनी पाकिस्तान थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वकालत की डिग्री जाली नहीं है इसलिए। लेकिन मैं ये भी वकील है, ये भी वकील है, ये भी वकील है सर, आपके सामने तीनों वकील बैठे हैं, समझ में आइए तो तीनों वकील बैठे हैं। इफ्तिखार साहब आपको इतना लेट क्यों ख्याल है इस आईन के सवाल को उठाने का, चर्चा पहले आ जाता तो क्या हुआ, कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, कौन सी रिपोर्ट पे बहस हुई, रिपोर्ट कब पेश हुई, 10 साल से कितनी रिपोर्टें पेश हुई, ये तो वो चीज पूछ रहे हैं। ये आपसे सवाल पूछता हूं, ताहिर कादरी साहब भी ये पूछते थे, कहते हैं आईन के वो आर्टिकल लेके आ जाते थे कि ये वो आर्टिकल है, इसमें तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। ये जिस आर्टिकल की बात करेंगे, हर आदमी अपनी मर्जी की चीज कहेगा। देखें जी, मैं बहुत शुक्रिया जी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम मुबारक अला सैयदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बहुत करम है, एहसान है कि ये शायद लोगों को ये बात मामूली लगे, लेकिन इसका मैं समझता हूँ कुछ वक्त बाद इदराक होगा कि जो 2008 में ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ था 2013 तक, और फिर उसके बाद जो हमें अब हुआ है, तीसरी कंजेकटिव इंशाल्लाह होने जा रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ऐसे मुल्क में जहाँ 3 मार्शल लॉ हम भुगत चुके हैं। दूसरी बात यह है, मुझे आज इस एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, हालांकि आपके अभी जो टॉपिक चल रहा था उससे शायद ज़्यादा रिलेटेड ना हो, मेरे सूबे से स्पीकर आया है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी है बलूचिस्तान से जो कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम हुआ है, और अल्लाह ताला ने इमरान खान से बहुत बड़ा काम ये लिया है कि एक इलेक्टेड ऐवान में एक ऐसा, और कासिम सूरी ने जो आज स्पीच की है, मैं समझता हूँ उसने बलूचिस्तान के लोगों को एक होप दी है। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो है जो होप वो लेके आए हैं वो पूरा होगा इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा डिफरेंट है, आपके काम बताएंगे आप इस सूबे को कितना अहम लेते हैं, या ओहदे नहीं बताते, इससे पहले भी ओहदों के ऊपर सजरानी साहब स्पीकर ही बैठे हैं ना सर, आपका चेयरमैन सेनेट कौन है, बड़ी कुर्सी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं बलूचिस्तान से, इन ओहदों से नहीं होता काम जी, मैं ही बोल रहा हूँ, सुन लें आप, ओहदों से कब काम हुआ है किसी सूबे की महरूमियां ओहदों से खत्म हुई? अब मैं जवाब दूं, मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बने उससे आज हुए हैं। अब मैं जवाब दूं भाई जान, देखें अभी तो इब्तिदा है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह परसों जो है वो इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब वजीर आजम आएंगे, उसके बाद हम जज होंगे कि क्या हमने ओहदों से काम लिया या नहीं। आज तक अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो अभी 15 मिनट पहले तक जो कार्रवाई पूरी हुई है, मैं तो उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इन लोगों के बारे में अभी मैं बात करना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि इन्होंने जो किया है वो भुगत रहे हैं, इसीलिए तो अपोजिशन में बैठे हैं। यानी कि ये कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले कि जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों मिलकर अपोजिशन में बैठी होंगी? ये सबक है हमारे लिए, ये सबक है हमारे लिए कि अगर हमने अपनी बातों पे अमल ना किया तो हमारा अंजाम इनसे भी बुरा होगा। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अभी तक डेवलपमेंट है, मुझे खुशी है, मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, जिसके साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है, वो बेहतर होगा, बेहतर होगा बलूचिस्तान इंशाल्लाह। क्विक जवाब ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा मैं एक तो बात, ये अली मोहम्मद खान ये पहली बार नहीं हुआ, हम 2002 में भी क्यों लीग बनी थी बनाई गई थी तो ऐसे ही हम अपोजिशन में बैठे थे, कोई नई चीज नहीं है। दूसरी बात ये हम जो का इफ्तिखार साहब ने, मैं उस पर थोड़ी ज्यादा बात करना चाहता हूं, ज्यादा बात है फिर ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। दूसरा चौधरी साहब, एक क्विक जवाब, आप लोग अपोजिशन का हिस्सा नहीं थे आज जो एहतजाज इन्होंने किया? नहीं, हम कल भी जब ये डाइस के पास जाते थे हम इनको भी कहते थे अपनी सीट्स पे खड़े होकर एहतजाज करें, ये रवायत ना डालें, कल इनको खुर्शीद शाह साहब सबकी मिन्नतें करते थे लेकिन ये नहीं माने थे, आज उनको भी कहा कि आप अपनी सीट्स पे खड़े होकर एहतजाज करें। इस एहतजाज के तरीकाकार से इख्तलाफ करते हैं, एहतजाज में इनके साथ हैं, मैंने सुना नहीं कोई नारेबाजी। एहतजाज किस चीज का था? ये एहतजाज मैं वापस आके पूछता हूँ, ये एहतजाज मियां साहब की वजह से था या इलेक्शन की वजह से? दोनों, इलेक्शन मियां साहब का हमारा बेसिक इशू ये था कि मीडिया को ट्रायल के बीच में क्यों नहीं जाने दिया। आज चंगी पोजीशन ली है पीएमएलएन ने। ब्रेक लेते नाज़िम, ब्रेक में वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़िम, ये जो ऑपोजिशन के अंदर इख्तलाफ है और आज का एहतजाज था, उस वो भी एहतजाज ऐसा लग रहा था पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया ही नहीं, सो लग ये रहा है कि ऑपोजिशन एहतजाज पर भी
नहीं नहीं काशिफ वजीर आजम पर भी बड़ा इख्तलाफ है। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन सिर्फ एक पॉइंट पर अभी तक इकट्ठी है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस और उसके प्रोब पे। बाकी हमारा कोई अभी अलायंस नहीं है उस तरह से फॉर्मल कोई। अगर अलायंस है फेयर एंड फ्री इलेक्शन के प्रोब तक है। आज का एहतजाज इनका किस चीज पे था? ये तो मियाँ साहब के लिए था। मियाँ साहब के लिए था दोनों। तो धांधली और हमें जो मियाँ साहब के ट्रायल में राइट टू फेयर ट्रायल हर पाकिस्तान का आईनी हक है। अब फेयर ट्रायल किस तरह होगा कि जब आप अदालत में उनको लाते हैं आप मीडिया पे दाखले पे पाबंदी लगा देते हैं और हमारे जो 5-6 लोग जो मेन हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं पार्टी की तरफ से उनके दाखले पे आप पाबंदी लगा देते हैं, जबकि बाहर कोर्ट के ऑर्डर लिखा हुआ है हाई कोर्ट का जिसमें लिखा हुआ है कि वुकला को नहीं रोका जा सकता, वुकला के दाखले पे पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये क्या कोई बनाना है पब्लिक है? अच्छा नहीं, मैं राय साहब एक में गुजारिश कर रहा हूँ। देखें हमने ट्रायल देखे हुए हैं भुट्टो साहब का। हम नहीं चाहते कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वैसा सलूक हो। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को लाहौर से पिंडी शिफ्ट किया गया फौजी ट्रक के पीछे बिठाकर, जो बड़ा ट्रक नहीं होता उसके पीछे बिठाकर एक साबक प्राइम मिनिस्टर को वहां से लाया गया। हम नहीं चाहते। हम एक तरफ वो सलूक था, दूसरी तरफ मुशर्रफ वाला सलूक था कि मुशर्रफ को किस तरह से लाया जाता था। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं दोनों इंतहाओं पर ना जाएं लोग। सर लेकिन एक किस तरह लाना चाहिए? मैं कल भी ये सवाल पूछता रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ कैसे लेकर आए वो ये भी सवाल है ना। लैंड क्रूजर में लाना मैं ये कह रहा हूँ कि ना करें। जो कुछ तय करना है तय कर दें कि साबक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक जैसा सलूक होगा, मुशरफ के लिए और। ये ना करें कि रूट्स लगेंगे ये करेंगे। हम मैं ये कह रहा हूं नहीं, वो कन्विक्शन जो ट्रायल में और कन्विक्शन के बाद एक क्रिमिनल में फर्क है ना। नहीं देखें ये नहीं करना। चौधरी साहब नहीं है फर्क नहीं करना। अगर आपका ये अगर एक कन्विक्ट भी हो जाता है यार फिर क्या है? कन्विक्शन पेंडिंग है। नहीं नहीं एक सेकंड ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तय करना है इन्होंने तय करना है, जो असेंबलियों में बैठे एक तय कर दे आज हर एक के साथ एक जैसा सलूक होगा। ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक राय साहब ने कहा फेयर ट्रायल का, ये ना कहें मुस्लिम लीग नून के फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल मिला है उनको, ऐसा वैसा ट्रायल मिला है ये उनको। मेरी गुजारिश सुन लेना, ट्रायल हो चुका है बहुत सारा, हो गया क्या कर रहे हैं? गुजारिश सुन, दूसरे रेफरेंस का ट्रायल हो रहा है, दूसरे रेफरेंस का ट्रायल हो रहा है। अगर ट्रायल हो चुका होता तो नैप कोर्ट में क्यों है? दूसरे रेफरेंस का ही रिकॉर्ड मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक रेफरेंस में सजा हो चुकी है, दो रेफरेंस अभी पेंडिंग हो रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने जाकर मांगा कि इस जज अब फैसला नहीं करेगा, आपका केस ट्रांसफर हो गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि मौलवी मुश्ताक मेरा ट्रायल ना करे, उससे नहीं तब्दील हुआ कि मेरी मौलवी मुश्ताक के साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट था ये पर्सनल एनिमिटी है। उन्होंने तो मांगा था कि चीफ जस्टिस बनाए, मुझे भुट्टो साहब ने इनकार किया था। इनकार किया मतलब ये ना करें। और जो जब बेनजीर का ट्रायल हो रहा था बीबी का, जो एतजाज साहब सिर्फ एक सवाल पूछने ऐसे झुके थे मोहतरमा की तरफ, जस्टिस नासर असलम जायद ने कहा कि आप नहीं पूछ सकते और आपको 3-3 दिन पहले लिखकर सवाल दिए गए, आपने उनके जवाब देने थे। ये ना कहें कि फिर ट्रायल नहीं मिला। आप अगर डिफेंस नहीं है या कुछ नहीं है वो दूसरी बात है, सजा गलत हुई है सही हुई है ये आपका हक है कि आप कहें कि ये गलत हुई है। मेरा हक है कि मैं कहूं कि आपको फेयर ट्रायल, ये फेयर ट्रायल मिला है, उसमें फैसले से इतफाक करना या फैसला आपकी मर्जी का या उनकी मर्जी का ये दूसरी बहस है, लेकिन आपको पूरा मौका मिला है। मुझे एक बात, मेरा एक सवाल है आपसे। आप मियाँ साहब की तस्वीरें आज लेकर आए, मुझे फाइन, आपका पोलिटिकल पोजिशन है, आपके लीडर भी आप उनको अभी उन्हीं को मानते हैं, क्या ये असूल फिर पाकिस्तान में सबके लिए है कि आपकी प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर हो कोई सवाल आपसे ना पूछे? क्या ये असूल ठीक है? देखिए ये तो असूल या इसके ऊपर तो बात कानून साजी कर दें कि कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान बाहर प्रॉपर्टी नहीं, नहीं बाहर प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम नहीं है, उसको अकाउंट करने का मसला है। देखिए अब बात तो ये ना, हमारी अकाउंट करने का पैसे कहां से आए ऐसा मसला ये। हमारी तो अपील पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है, पेंडिंग तो अपील है ना। दूसरा जो ट्रायल अभी चल रहा है, फैसला है ना, अपील तो फैसला में नहीं है काशिफ साहब, एक बात चल रही है अभी, एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं, एक ट्रायल चल रहा है, ये नहीं कि ट्रायल खत्म हो चुका है, ट्रायल हो रहा है, फ्लैगशिप वाले केस का ट्रायल हो रहा है। और उस ट्रायल के दौरान आपको लाया जाता है कमरा अदालत में, ये भुट्टो साहब के इनको बातें याद आ रही हैं, ठीक है, आप अपनी विकेट, आप अपनी विकेट खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि मेरी विकेट बेहतर है इस जगह पे जहां मीडिया को बंद किया। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा एक सवाल है और ये इसका सवाल का जवाब आप सब सियासतदानों को ढूंढना पड़ेगा, क्या ये मुल्क ऐसे चलाना है कि कानून का फैसला कुछ भी हो हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं,
क्या ये जवाब देना है कि 21 प्रॉपर्टियां कहां से आई या नहीं देना, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे। मेरी बात सुने, जो हमने जस्टिफिकेशन दी है, आपने कुछ नहीं दिया। जस्टिफिकेशन से इख्तलाफ है तो हमने, उस फैसला आ गया हमारे खिलाफ, हम अपील में चले गए, हम अपनी जस्टिफिकेशन से मुतमईन है। 1,28,00,000 पाकिस्तान की आवाम उस जस्टिफिकेशन से मुतमईन है जिसने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। ठीक है, मुतमईन नहीं है इस सर, तरह से सोचते हैं। पहली दफा जिंदगी में मुझे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने कहा सर 2-3 खाते साथ लगा, 6-7 लगाते भी तो हैं। देखिए, वो ये ना कहे कि वो मुतमईन हो गए कि मियां साहब ने कुछ नहीं लगाते हैं, वो अपनी जगह पर, वो किसी का अपनी पर्सनल राय होगी। लेकिन आपने कभी नहीं सुना, मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि 1,00,00,000 मैंने कभी भी नहीं सुना, कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं सुनी किसी वोटर के मुंह से। 1,28,00,000 आवाम ने अगर नवाज शरीफ को वोट दिया है, वो 3 दफा इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहा है, बात कर रहे हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान में सीपैक के मंसूबे किए, ठीक है उसको आप कानून का प्रोसेस लेके चले, लेकिन दूसरी तरफ आप फिर सबके लिए मुनसफाना मुसावात करें। सर मुसावात क्या करें, ये तो मुझे समझ नहीं आती। देखिए आप कहते हैं के लिए भी तो करें ना यार, मुसावात करें, मुसावात में आप सबको लेकर आए, आवाम के लिए भी तो करें, करें। और सर आप आमराना जो जब आर्टिकल 6 लगती है, जब उस वक्त आपका सारा तरीका कार होता है, इनको या तो बुला लें, मेरे ख्याल से ये काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह देता हूं, लेकिन आप अपना, लेकिन मेरा मौका है, आप ये भी ट्विस्ट दे रहे हैं कि जी मुनसफाना तरीका नहीं। देखें, आपसे एक सवाल पूछा गया कि ये अपार्टमेंट कहां से है, इसका जवाब मैंने तो नहीं देना। देखिए हम तो सर एक सेकंड सुनो, पाकिस्तान से बाहर जाएगा पैसा किसी तरीके से जाएगा, जी हाँ, कहीं जाएगा, इन्वेस्ट होगा तरीके से होगा। आप लोगों ने सुने, आप लोगों ने खुद कुछ जवाब दिए, मियां साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा ये है वो जराए, मैंने ये फैक्ट्री बेची पैसे लेकर गया। हुसैन नवाज ने मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा अजीजिया मिल बेची हमने पैसे, मैं 2006 में लंदन लेके गया, मैंने वहां से ये फ्लैट खरीदे। आज आप कहते हैं जी वो तो हमने जो कह दिया था, तो टीवी इंटरव्यू ने जी जाने दें, वो कौमी असेंबली का खिताब है जाने दें, आप हमारी अगली बात मान लें कि कतरी ने हमें पैसे दे दिए थे। आप चाहते हैं ये कानून हो पाकिस्तान में, कतरी कल चौधरी साहब काशिफ साहब ले आओ ना 35 अरब का कानून आया ना ताड़े केस एफआईए था, एक पकड़ो दुबई तू बंदा या कतरी तो कहे ये 35 अरब मेरे, की कर लोगे काशिफ साहब गल है, फिर तो ये कानून ही बन जाएगा इस मुल्क का, जिस जो पैसे हैं उसको जस्टिफाई करें खत लाके। पहले तो बात ये है कि हमने अपना डिफेंस दिया, हमारा डिफेंस अदालत ने कबूल नहीं किया, ठीक है हमारे खिलाफ फैसला आ गया, हम अपील में चले गए, हम समझते हैं कि हमारा डिफेंस दुरुस्त था इसलिए हम अपील में गए, ये हमारा कानूनी हक है। आप कह रहे हैं कि हम उसे सरेंडर कर दें, हम मान ले फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए, फिर बंद कर दें अदालतें, बंद कर दें हाई कोर्ट, बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट। साहब को एक रिस्पांस में मैं अली साहब आपके पास आता हूं, ये वो कह रहे हैं कि जी हमारा हक है, ये जो असेंबली में हम फोटोज मियां साहब के लेकर आए हमारा राइट है, हमारे लीडर के साथ जाती हो रही, इनका हर राइट है, अवाम राइट ही कोई नहीं है। ये आईन में जो अवाम का हक लिखा है, ये मजाक आपने मेरा उड़ा दिया कि ये क्या आर्टिकल लिए फिरते हो, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल आईन में लिखे हैं। ये आईन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, और ये जो फेयर ट्रायल का हक है उस कैदी का भी है जो कोडरकपुर जेल में बैठा है, उसका भी है जो रावलपिंडी में बैठा है, ये उसको भी फेयर ट्रायल चाहिए जो दूसरी अदालतों में जेलों में बैठा है। ये ही बात है कि जब आप पर आए तो फेयर ट्रायल की नहीं है। फेयर ट्रायल क्या होता है, जब बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाए इतराज है, दूसरी गाड़ी में लाया जाए इतराज, आप प्रोटोकॉल तय कर दें कि भाई आपके मियाँ साहब को कैसे लाया जाए, आप लिख के अदालत के आगे कहें कैसे लाया जाए। आई एम विद मंजूर, मंजूर साहब आपको शायद याद नहीं है, कटहरा बनवाया गया कटहरा, yeah. लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उसको कहा गया खड़े हो और कहा गया कि तुम मुसलमान भी नहीं हो, और उसके से सेशन कोर्ट का हक छीन लिया गया। क्या बातें कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं ट्रायल क्या होते हैं। खुदा के लिए जो हो रहा है होने दें, आई एम विद यू कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, इट इज योर राइट, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, इट इज योर राइट गिवन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाकी कहानी है, बाकी कहानी है सर। के लिए बस करो, पार्लियामेंट को चलने दो, पार्लियामेंट में मेरे मसाइल को आने दो, पार्लियामेंट में जनूबी पंजाब का बिल पेश हुआ है उस पर बात करो, आके वोट दो या अपोज करो। ये हम ये इफ्तिखार साहब वाली बात को मैं आगे लेकर चलूं, इफ्तिखार साहब की बात, मसला यह है कि ये पार्लियामेंट बन गई है लीडरशिप क्लब, मेरा लीडर उसका वो असेंबली में, जब तक वजीर आजम थे असेंबली में नहीं आते, लेकिन अभी बाहर गए तो उनकी तस्वीरें असेंबली में घूम रही हैं। दे विल यूज दी असेंबली, आर दे यूजिंग दी असेंबली अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, इज दैट व्हाट व्हाट इफ्तिखार साहब इससे। देखिए पहला सवाल तो ये है, yes, कि काफी मैंने जो है डिबेट आपकी सुनी है रांझा साहब से, क्या मियां साहब जो है प्रिजनर ऑफ कॉशियस है, क्या वो पोलिटिकल प्रिजनर है? नो, वो एक ऐसे जुर्म में अदालत
से सजा पा चुके हैं जो महजब मुल्कों में इंतहाई बायस शर्म होती है, चोरी में, करप्शन में, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। दूसरा सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल? देखें, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही है काशिफ साहब? बिल्कुल, लेकिन ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी इन वन रेफरेंस। अब दो चल रहे हैं, अब एक में जब आपको सजा हो गई है तो भाईजान उसके तो आप मुजरिम हैं, आपसे तो सलूक उसके हिसाब से मुजरिम हो जैसा ही होगा। इसमें आप इनोसेंट हैं, बाकी दो में जब तक आप प्रूवन गिल्टी नहीं होते, क्या किसी और मुजरिम को जब अदालत में लाया जाता है मियाँ साहब के अलावा, उसको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है? मैं तो ये सवाल रखता हूं कि अगर आप कहते हैं कि एक कानून हो तो फिर सबके लिए एक हो, फिर मियाँ साहब के लिए भी एक हो, इमरान खान के लिए भी एक हो, हम सबके लिए एक हो। यहाँ एक सवाल और भी है, अभी देखें इफ्तिखार साहब जो हैं उन्होंने आईने पाकिस्तान उठाया हुआ था और ही इज आई थिंक ऑलरेडी ही काफी इनकी बड़ी उम्र है और वो इस उम्र में आईन उठा के इस तरह उन्हें पकड़ा है। इसमें एक सवाल है, आम आदमियों के राइट्स की उन्होंने बात की। मैं एक और सवाल यहां पे रखता हूं जो मेरे लिए है और बैरिस्टर साहब रांझा साहब के लिए है और चौधरी साहब पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में होंगे, हम सब के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए। ये आईन पाकिस्तान क्या सिर्फ औरों को दिखाने के लिए है? ये आईन पाकिस्तान क्या मुझ पे और रांझा पे और चौधरी साहब पे, हम पे लाजम नहीं करता कि जब मेरा लीडर कोई गलत काम करे तो फिर मेरी एलियंस, मेरी जो है मेरी वफादारी फिर अपने उस लीडर से है या इस आईन पाकिस्तान की किताब से? किस से है? अगर आईन पाकिस्तान की किताब से है तो सबसे पहला सवाल हुकूमती बेंचों से उस वक्त की सवाल आना चाहिए था मियाँ साहब से कि मियाँ साहब हम आपकी सियासत में मददगार हैं, सियासत में आपके डिसाइपल हैं, सियासत में आपके वर्कर हैं, चोरी में नहीं है। सबसे पहला सवाल अगर आप वाकई डेमोक्रेटिक हैं उस वक्त की हुकूमती बेंचों से नवाज शरीफ साहब से होना चाहिए था और आज की हुकूमती बेंचों के लिए मैं ये कह रहा हूं आप भी यही करेंगे हमारी हुकूमत आईन पाकिस्तान की हद क्रॉस करेगी मेरे से भी सवाल होगा और हम भी सवाल करेंगे। इंटरवेंशन इफ्तिखार साहब, फिर मैं इनसे सब जवाब ले लूं। क्विक इंटरवेंशन, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। 2, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायोलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन द पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 3 मैं पढ़ देता हूं सर। आर्टिकल 3 पढ़े जो पाकिस्तान के नाम और परचम के बाद, द स्टेट शैल एंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच। पार्टी का मंशूर है अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ये तो मेरी पार्टी का मंशूर आर्टिकल 3। सर ये पार्लियामेंट का ये जो बहस सारी घूम के आ जाती है, सारी आप बहस नहीं, जो 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 पीटीआई का मौकफ है वो ये है कि अगर एक आदमी के बारे में की जिम्मेदारियां भी हमारी है ना, ये क्यों नहीं पूरी होती? मेरा लीडर ही है, मेरी बात सुने। बट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी मेरे में है, प्रोसेस आ रहा है और ये आता जा रहा है। जिम्मेदारियां कोई शख्स समझता है, हुकूमत समझती है, हमारी पार्टी समझती है कि हमने कुछ डिलीवर किया, हमें 1,28,00,000 लोगों ने समझा कि उन्होंने कुछ किया। और अब देखिए ना, मेरी बात सुने ना, आप बात तो सुने, आप बात सुने, आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन ही हो रही है ना, बेसिक राइट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात सुने, देखिए 100% कोई भी यहाँ पर, अब इन्होंने मदीना की रियासत का मॉडल देना है ना, हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि ये दें। शॉर्ट इंटरवेंशन, वैसे इंटरवेंशन शॉर्ट होनी चाहिए। आज का एहतजाज था, आज का एहतजाज ब्रेक के बाद आपको टाइम मिलेगा डिलीवर करने का, टाइम शॉर्ट इंटरवेंशन करें, ये पॉलिसीज बनाए हमको। मेरा ये सवाल भूलिएगा नहीं, मेरा ये सवाल भूलिएगा नहीं, आपने इसको परसू करना है। सवाल मेरा ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा, जब सिर्फ इल्जाम था, मेरा बैरिस्टर रांझा साहब की वसातत से पूरी मुस्लिम लीग नून से सवाल है, क्या आप में से एक भी कोई ऐसा शख्स था या आपके किसी भी फोरम पे मियां साहब से किसी एक लम्हे के लिए सवाल हुआ है कि मियां साहब आप पे इल्जाम हैं, क्या ये सही है कि गलत है? क्या आपने पूछा, अपनी तसल्ली की? देखिए ये तो जो बात कर रहे हैं ये तो बुनियादी बात है, जवाब और ये हर बंदे ने बात जवाब आपको मिल गया और मियां साहब ने जो अपनी और मैं यही हमारा अलमिया है, मैं यही हमारा अलमिया है कि हम ब्रेक के बाद का लाने जवाब मैं खुदा बना लेते हैं। मोहम्मद साहब से पूछूं कि आज से 30 साल पहले जो आपके वालिद साहब ने घर बनाया था, मुझे बताएं कि उसका सीमेंट कहां से खरीदा था? ये वो घर किसने बनाया? ये 30 साल पहले अगर आपके वालिद साहब ने या बुजुर्गों ने कोई पुराना घर बनाया, क्या बात है, मैं उस घर की वजह से मियां साहब ने तो ये नहीं कहा, हुसैन ने तो
उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद का है, मेरे दादे का, उन्होंने कहा मैं खबर आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये हर आदमी अपनी मर्जी की स्टोरी लेकर आया है यहाँ पर, जब फंस जाएंगे इस पर तो कहेंगे वालिद साहब का था, वालिद साहब के ऊपर आई कहने मेरा था। लेकिन अब बात ये ना, ये रियासत मदीना की बात करते, अब मैं देखता हूँ कितने साफ सुथरे लोग इनकी काबीना में आते हैं और वहीं से मैं फैसला करूंगा कि ये करप्शन खत्म करेंगे कि नहीं। बहुत मेहरबानी, बड़ी वैसे किसी एक ने भी पाकिस्तान के अरबों रुपए की करप्शन का सवाल नहीं किया और आप कहते हैं हम आवाम की खिदमत करेंगे, एहतसाब बिल आप पास करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे और दो महीने में एहतसाब बिल आप लेकर आए, गैर आपका लीडर जब गलत काम करे आप सवाल किया करें, भाईजान कुछ नहीं होगा, घर चले जाएंगे ना, आपका जमीर तो सुरखरू होगा। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, धांधली पर क्या होगा उसमें मैं आता हूं। आप जो बात कर रहे थे ना हाई मॉरल ग्राउंड की, हाई मॉरल ग्राउंड का पहला फैसला इमरान खान साहब को अब अनकरीब करना पड़ेगा। कराची का वाकया जहां उनके एमपीए इमरान अली शाह, दाऊद चौहान एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, इन पर जो तशद्दुद सरेआम उन्होंने किया है, सारे पीटीआई तो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करती है। इस चीज़ के खिलाफ तो लोगों को जहाज लेट आने पर आप लोगों ने, आपके लोग और वर्कर शोर करते थे, क्या होना चाहिए बताएं, क्या करेंगे, अभी तक कुछ किया क्यों नहीं शो कॉज के खिलाफ? देखिए शो कॉज नोटिस इनको मिल गया है और मैं समझता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई करेंगे, आपका क्या ख्याल होना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ खान साहब को उसको बुला के पूछना चाहिए और और अगर ये तो सीना करण अली अगर ना की थी, मैंने बाहर के पूछा क्या हुआ बेटा, अच्छा चलो ठीक है घर चले जाओ, ये करना चाहिए, बुला के पूछना चाहिए, पार्टी फैसला करे, फर्क करे उसको। एक मिनट काशिफ साहब, क्या हमने अपने लोगों को निकाला नहीं है, करप्शन पे निकाला नहीं है? क्या हम हमारे अपने वुजरा जो हैं जेलों में नहीं गए? तो मैं समझता हूँ पूछेंगे उनसे अगर सर्ट का सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्या होना चाहिए? देखिए लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, देखें एक एफआईआर कराएंगे, एक मिनट, एक चीज तो ये है कि ये जो हुआ है लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, अगर सरेआम इस तरह हुआ है लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, जो कानूनी तादीबी कार्रवाई वो होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अली हो, चाहे इमरान शाह साहब हो, टेस्ट केस है ना ये आपके लिए, इस तरह के और टेस्ट केस आएंगे इंशाल्लाह, सुरखरू होंगे, पहले इसमें तो पास हूं देखते हैं इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। दो तीन दिन हो गए अब तक तो कुछ नहीं किया पार्टी ने, शो कॉज वो कानूनी कार्रवाई है जो करके खामोश कर दिया जाता सारा, उन्होंने ले लिया है मेरे ख्याल में, कल ये वाकया हुआ है, कल ये वाकया हुआ है, शो कॉज नोटिस उसको जो है, माफी तलाफी तो काफी नहीं है ना, माफी तो ये है, इतना बड़ा आदमी है भैया, पता है इस चीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज से, अगर फुल स्क्रीन पे लेके आए इसको, इसके सिक्योरिटी गार्ड इनको किस तरह इस पे गन पॉइंट कर सकते हैं? ये जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स आप देखिएगा, वो बंदा गाड़ी में जा रहा है, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स गन पॉइंट करके उसको रोक रहे हैं, कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत काम है, इस पे सजा मिलनी चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए, हालांकि वो गए उसके घर, उसके घर में उम्र का बेटा भी करता तो उम्र के बेटे को भी इतने कोड़े लगे और लगाए ना फिर कोड़े, ये भी बहस थी कि आपने जिस तरह बाकियों के साथ होता था वैसा किया या कोई और सलूक, उसने कहा कोई और, उन्होंने कहा वैसा करो जिस तरह, और दोबारा करा और उम्र के बेटे के साथ हुआ ये इफ्तिखार साहब, बाद में पता लगा वो थे भी बेगुनाह। इफ्तिखार साहब क्विक रिस्पॉन्स सर, धांधली पर क्या होगा, मेरा तीनों पॉलिटिशियन से ये सवाल, धांधली पर क्या होगा सर, धांधली के इल्जाम आते हैं, होना क्या चाहिए? कमीशन, धांधली पर कमीशन बनाए, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, आपकी ये तवक्को है कि इमरान साहब अपने पहले एड्रेस में ये ऐलान करें कि अब क्योंकि ऑपोजिशन के एतराजात हैं हम इस कमीशन को बनाने का आज ऐलान करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इसको करना चाहिए, और मुझे तो खुशी हुई है कि पंजाब में ये जनूबी सूबे के बारे में करारदाद ले आए हैं या गलबन करारदाद पेश कर दिए, पेश कर दिए सर, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो इस पर इंकार नहीं कर सकती, इन दोनों की कमिटमेंट है जो पंजाब में तो है, तो इसका मतलब ये तो होना ही इफ्तिखार साहब के पास पर चलेगी। धांधली देखिए, तवक्को क्या है इमरान साहब से? धांधली पे हम ये समझते हैं कि ये वो काम ना करें, हमें मजबूर जो हमने किया था, जो इन्होंने आगे वाली बात, ठीक है, ये जो हमने नहीं वो ये वो ना करें कि उसको डिले करें और 126 दिनों का धरना और इतना लंबा कर लें, ये उसको फौरी तौर पर फिलफौर कमीशन बनाए, उस कमीशन के बीच में ऑपोजिशन के साथ बैठ के कुछ लोगों को डाले और उसको कहें अपनी रिपोर्ट, 26 घंटों का धरना दे दे आपको, 20 से 25 20 से 25 फिर धरने की जरूरत है? धरने की जरूरत क्या, वैसे ही आप दे रहे हैं, धरने की बात क्यों नहीं, इसलिए हम धरने की बात नहीं कर रहे,
तो हम तो ऑफर 126 घंटे का धरना दे दे, हम 126 का नहीं, हम दिनों का ना दे बेशक। चलिए आप लोग तो आ गए और उसी दिन रफू चक्कर हो गए सारे का दे, और शहबाज साहब का मौसम खराब, आप ये कमीशन बना, मौसम खराब होता ही है ना क्या। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँ, हमने उस वक्त भी कहा था, आपको याद है मैं भी पेटिशनर था इसमें, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैंने हल्का खुलवाया, ये चीजें रद्दी निकली है, ठीक है। उसके बाद जो एतजाज साहब के लाहौर वाला किया था, हम उस वक्त भी प्रोब चाहते थे, हम इनको पीटीआई को हमने जाकर कोर्ट के अंदर कहा कि जो एतजाज साहब ने कहा कि ये बैग्स के अंदर सबूत हैं, ऑर्डर होने दें, हम कहते हैं उठकर सारी पार्टियां कि ऑर्डर बैग खुलवा लें, ऑर्डर सात दिन के अंदर बैग खुल जाने चाहिए, पहली आपकी डिमांड है बैग बिल्कुल खुलने चाहिए, पहली डिमांड यार लॉ है, उसके बाद लॉ बनाया गया कि रिकाउंटिंग वन और मोर, बट आपने एक चीज में छोड़ दी कि वन और मोर बैग्स, ये आप कानून पढ़े वो फिर आप प्रेसाइडिंग अफसर पे छोड़, क्लोज हो गया, एक जुमला, एक आखिरी जुमला, फैसल साहब ने याद के हल्के में यही हुआ, उसने ऑर्डर किया कि अगर 10 बैग खोलते हैं कोई एविडेंस तो फिर तो 93 वोट बड़े 93 नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ये होना चाहिए ऑडिट, और मुझे उम्मीद है कि पहली तकरीर में इमरान खान साहब इसको $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान, जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।